हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लर्न पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीए लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है, एमबीएम वर्सेज एनओपी के बीच जो आज का बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली के लिए और कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो स्मॉल लीग में आप अपनी टीम में एमएम की तरफ से जे मोरंट को जरूर लेकर चले गए, जे पॉइंट गार्ड के रूम में इन्होंने 1269 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर करके, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जे पॉइंट गार्ड के रूम में होने वाले, तो इनको आप अपनी स्मॉल लीग में जरूर लेकर चलिए दोस्तों। आपके लिए इनके अलावा आपके पास ये दो दो प्लेयर हम आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए पिक कर देने वाले। ग्रैंड लीग में तो आपके पास बहुत ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन स्मॉल लीग में आप वही प्लेयर लेकर चल सकते हैं जो बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी हो, पॉइंट लेवल अच्छा हो, परसेंटेज लेवल अच्छा हो, तो इस हिसाब से हम आपको प्लेयर पिक कर देने वाले। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जैरन के बारे में। जैरन जैक्सन एक अच्छा खासा आपको एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में ऑप्शन देखने को मिला दोस्तों, 1184 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। इनको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। स्मॉल लीग के प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के प्लेयर सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ले लीजिएगा, उनको स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एनओपी की तरफ से सीजे मैकलम के बारे में। तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है आपके पास एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाला है, 1321 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके, तो इनको आप अपनी टीम में स्मॉल लीग में जरूर लेकर चलिएगा। एनओपी की तरफ से आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। जोनस के बारे में बात करें, जोनस आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है, इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दीजिएगा एज ए सेंटर के रूम में। सेंटर के रूम में इन्होंने 950 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर करके, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है समोली के रूम में। तो समोली के लिए दो दो प्लेयर हम आपको बता दिए दोस्तों, इन प्लेयर को आप अपनी समोली और ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई कर सकें, ये चार प्लेयर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो ग्रैंड लीग में एमएम की तरफ से आपके डेलो ब्रुक्स आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले दोस्तों, 336 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके। ग्रैंड लीग जितने भी टीम बनाए दोस्तों, इनको जरूर लेकर चलिए। ग्रैंड लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर हम जरूर पिक करके चलते हैं, लेकिन ये उतने भी रिस्की नहीं है जितने आप सोचते हैं दोस्तों। तो आप ब्रुक्स को अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले 336 के लगभग पॉइंट कवर करके। ब्रेंडन कर्लैक के बारे में बात करें तो 666 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए होने वाले। तो एमएम की तरफ से इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। एनओपी के बारे में बात करें, गैरेट टेंपल आपके पास एक अच्छा खासा 161 के रूप में पॉइंट कवर कर रखें, तो ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं गैरेट के रूम में। तो अब हम बात करते हैं टोनी स्नेल के बारे में। टोनी स्नेल ने इस लीग में 252 के अलावा ऑप्शन का पॉइंट अभी तक कवर करके, तो इनको आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग में जरूर लेकर चलिए दोस्तों, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले ये चार प्लेयर दोस्तों, आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर लेकर चलिए। बाकी आप थोड़े रिस्की प्लेयर भी थोड़े टीम में पिक करके चल सकते हैं, जिस टीम में आप ज़्यादा रिस्की प्लेयर लगाए दोस्तों, उसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्म के बारे में। तो की प्लेयर फॉर्म के बारे में बात करें, इससे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्म के बारे में। एमएम की तरफ से जा मोरंट टाइप का पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले जी पॉइंट गार्ड के रूम में। डी मेल्टन आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड है दोस्तों। डेसमोंड बेन के बारे में बात करें तो एज स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में बेस्ट ऑप्शन होने वाले। जैरन जैक्सन के बारे में बात करें तो एज पावर फॉरवर्ड के रूम में एक अच्छा खासा एमएम की तरफ से ऑप्शन होने वाला दोस्तों। स्टेवन एडम्स के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा सेंटर बेस्ट ऑप्शन। तो इन प्लेयर पाँच प्लेयर को आप अपनी टीम में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों भी पिक करके चल सकते हैं दोस्तों, आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले। अब हम बात करते हैं एनओपी की तरफ से की प्लेयर फॉर्म के बारे में। तो डेवांटो आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड होने वाला है। सीजेले मैकलम के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। तीसरे नंबर पर हम बात करें ब्रेंडन इंग्राम के बारे में, तो एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड आपको एनओपी की तरफ से देखने को मिल जाएगा, इनको अपनी टीम में स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में जरूर मौका दीजिएगा। लैरी नैन्सी के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड के रूम में एनओपी की तरफ से खेलते हैं। वेलकनिस के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा सेंटर रूम में आपके पास ऑप्शन होने वाला है। तो इन पांच पांच प्लेयर को हम आपको की प्लेयर फॉर्म के बारे में आपको बता दिया दोस्तों, इन प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं, चाहे स्मॉल लीग टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस पिक के बारे में, यानी कि इस लीग में जो उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। जे मोरंट के बारे में बात करें, एमएम की तरफ से एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते 1269 के लगभग पॉइंट कवर करके। डी मेल्टन के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 848 के लगभग पॉइंट कवर करके। काइली एंडरसन के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 705 के लगभग पॉइंट कवर करके। डेसमोंड बेन के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 1128 के लगभग
पॉइंट कवर करके। डिलो ब्रुक्स के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूप में 336 के लगभग पॉइंट कवर करके तो पांच प्लेयर दोस्तों MEM की तरफ से बेस्ट ऑप्शन बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। NOP की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करें, डेवांटो आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड के रूप में 530 के लगभग पॉइंट कवर करें। सीजीले मैकलम के बारे में बात करें तो एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड के रूप में 1321 के लगभग पॉइंट कवर करके। टोनी स्नेल के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में 252 के लगभग पॉइंट कवर करके। ब्रेंडन इग्रान के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूप में 927 के लगभग पॉइंट कवर करके। गैरेट टेंपल के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूप में 161 पॉइंट अभी तक इन्होंने कवर करके, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास NOP की तरफ से देखने को मिलेगा। इनको आप अपनी टीम में बेस्ट बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में है तो इनको आप अपनी टीम में मौका जरूर दे सकते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, इससे पहले हम आपको बता दें हमने डिस्क्रिप्शन में विजन इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन इलेवन को डाउनलोड करें। विजन इलेवन को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे विन कर सकते हैं, यानी कि एंट्री फीस भी कम है, कंपटीशन भी कम है और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। विनिंग प्राइस बहुत अच्छे अच्छे भी है दोस्तों, उसमें आपको बाइक कार वगैरह भी आपको विनिंग में देखने मिल जाएगा। तो आप अभी विजन इलेवन को डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो कैप्टन सबसे पहले MEM की तरफ से बारे में बात करें, जय मोरांट आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड के रूम में मौका दे सकते हैं, और इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। पॉइंट गार्ड के रूम में तो जरूर लेकर चलिए दोस्तों, और कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में भी बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। डेसमंड बैन के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में MEM की तरफ से खेलते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में ठीक ऑप्शन है दोस्तों। स्टेवन एडम्स के बारे में बात करें तो एज ए सेंटर रूम में MEM की तरफ से खेलते हैं 985 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं NOP की तरफ से, तो NOP की तरफ से डेवांटो ग्राम आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले दोस्तों, इनको मौका जरूर दे सकते हैं। सीजे मैकलम के बारे में बात करें, NOP की तरफ से एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में खेलते हैं 321 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में, और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में भी जरूर मौका दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेंडन इग्राम के बारे में, तो एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 927 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं वाला है। इंजरी कोई भी प्लेयर नहीं है दोस्तों, सभी प्लेयर फिट है। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हम हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्वाड की तरफ जरूर नजर मार लें दोस्तों, क्योंकि इन्हीं में से आप अपनी ड्रीम टीम बनाकर चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में, तो यानी कि हमने हमारी तरफ से पॉसिबल प्लेइंग एट टीम बनाई है दोस्तों, इसी हिसाब से हमारे हिसाब से इन्हीं में से आज प्लेयर पिक कर खेलने वाले हैं, तो इन्हीं में से आप अपनी ड्रीम टीम बनाकर चल सकते हैं। लेकिन बाकी हम आपको तो बेस्ट ऑप्शन होने वाले, इन्हीं में से आप अपनी ड्रीम टीम बनाकर चलिए, बाकी हम आपको लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में, अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो पॉइंट गार्ड में आपके पास जे मोरांट MEM की तरफ से बेस्ट ऑप्शन होने वाले। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें तो मैकलम और एंडरसन आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड देखने मिल जाए। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, बैने और मर्फी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में होने वाले दोस्तों। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, जैक्सन और हैस आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज ए पावर फोर्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। अगर सेंटर के बारे में बात करें तो एडम्स आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज ए सेंटर रूम में होने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मैकलम और बैने, मैकलम को आपकी टीम कैप्टन और बैने को वाइस कैप्टन लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं।